बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये जो आप मनाजर देख रहे हैं ये मनाजर हैं शोग्रां के। शोग्रां में गुज़िश्ता दो दिनों से यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है और कल के दिन तो वक्फा हो गया था, लेकिन आज फिर शुरू हो चुकी है यहाँ पर बर्फ़बारी। और जी हमारे पास कल की वीडियो थी, तो ये अभी की वीडियो है, ये देखें। ये अभी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी और हमने इसको एडिट किया और अभी आपके साथ ये शेयर कर दिया है। तो ये आप देखें, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है शोग्रां की। शोग्रां में बर्फ़बारी पड़ रही है और इस टाइम तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा हो चुकी है बर्फ़बारी, और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं इंजॉय करने के लिए। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। अगर ज़्यादा स्नोफॉल हुई तो आपको जीप्स वगैरह पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जीप्स वगैरह पर वहाँ पर स्लिप बन जाएगा और उसकी वजह से आप जीप्स पर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर पैदल करना चाहें पैदल फिर कर सकते हैं, लेकिन आप आएँ अगर स्नोफॉल जारी रहती है तो तब रास्ते बंद होंगे। अगर आज स्नोफॉल हट जाती है तो फिर आप इजी से जीप से भी जा सकते हैं शोग्रां के ऊपर। तो चलें जी, आगे जो भी सूरत हाल होती है वो भी आपके साथ पेश करेंगे। और ये ताज़ा तरीन वीडियो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप आना चाहते हैं तो होटल रेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, बस आम से बराबर से ही होटल रेंट्स हैं, आपको दे देंगे। तो ये आप चेक करें जी, शोग्रां में स्नोफॉल हो रही है और अगर यही स्नोफॉल आगे भी चलती रही, यानी कल भी और परसों भी, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगी, तकरीबन 2-3 फीट के से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये शोग्रां की दूसरी स्नोफॉल है यहाँ पर। तो पहले वाली जो थी तो वो तो यहाँ पर निकल गई थी, तो ये अब नई स्नोफॉल है ये देखें। और इस टाइम जीप्स वगैरह अवेलेबल हैं, चैन वगैरह लाकर वो जा रहे हैं। और आप आना चाहते हैं इस टाइम में आपको जीप्स मिलेंगे, लेकिन अगर स्नोफॉल ज़्यादा होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप भी बता रहा हूँ कि फिर आपका जो आ जाना है फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस टाइम की आप सूरत हाल देखें जी। और हम आपको पाकिस्तान के सियासी मकामात से ताज़ा तरीन अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे, और ऐसी अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमात मिलती रहे। तो जी आज की ये छोटी सी अपडेट थी, आपने जान लिया होगा कि क्या सूरत हाल है शोग्रां में। तो हम नारान का गान से भी देते रहते हैं अपडेट्स और मरी की तरफ से भी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़।